ये कल रात को लगभग 2 बजे के करीब कंकड़बाग थाना को जो है सूचना मिली कि साईं हॉस्पिटल के आसपास कुछ लोग जो है मारपीट कर रहे हैं और उसमें फायरिंग की घटना भी की गई है। तो नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना इन दिनों गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा है। दरअसल मामले की अगर बात करें तो हाल के दिनों में गोलीबारी की कई घटनाएं राजधानी पटना में हुई हैं, जिसमें अगर बात करें तो 2 लोगों की मृत्यु अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत, और वहीं अगर बात करें तो लगातार गोलीबारी की घटनाओं से इलाका सहम उठा है। दरअसल ताज़ा मामले की बात करें तो पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र स्थित साईं हॉस्पिटल के पास शनिवार को एक गोलीबारी की घटना हुई। दरअसल इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इस पूरे मामले में IPL के सट्टेबाजी में ये फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, जिस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। हालांकि घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हुए सदर ASP स्वीटी सहरावत ने बताया है कि इस मामले की जानकारी के बाद पटना पुलिस हरकत में आई और घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। वहीं एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है और पूरा मामला जो है वो IPL में सट्टेबाजी को लेकर आपस के दोस्तों में ही विवाद हुआ था, जिस कारण ये गोलीबारी की घटना हुई है। हालांकि इस मामले में संलिप्त बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगी हुई है। वहीं क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं इस पूरे मामले पर ASP सदर स्वीटी सहरावत, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। ये कल रात को लगभग 2 बजे के करीब कंकड़बाग थाना को जो है सूचना मिली कि साईं हॉस्पिटल के आसपास कुछ लोग जो है मारपीट कर रहे हैं और उसमें फायरिंग की घटना भी की गई है। तो तुरंत जो है वहाँ पर घटनास्थल पर थाना की टीम पहुँची, वहाँ पर एक व्यक्ति को जो है पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। और अभी तक जो सामने आया है वो ये आया है कि ये जो 3-4 लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो दोस्त ही हैं, और IPL में शायद पैसा लगाकर जो है उसमें इन लोगों ने मारपीट एक दूसरे के साथ की, और उसमें से एक व्यक्ति के द्वारा जो है वहाँ पर हवाई फायरिंग भी की गई। उसमें एक खोखा जो है वो बरामद किया गया है, वहाँ से एक बाइक और एक 4-व्हीलर भी जो है बरामद किया गया है। इसमें पुलिस के आवेदन के आधार पर केस दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। फायरिंग करने वाले अभी पूछताछ उनसे जारी है, जिनको कल हिरासत में लिया गया है उन्हीं में से एक व्यक्ति के द्वारा जो है बताया जा रहा है कि फायरिंग कारित की गई है। उसमें आगे जो है CCTV फुटेज और ये सब भी खंगाल के उस चीज़ की हम लोग पुष्टि कर रहे हैं। कितने लोग गिरफ्तार अभी किए गए? अभी इसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, सारे साक्ष्य और संकलन किए जा रहे हैं, उनके फोन्स वगैरह भी चेक किए जा रहे हैं कि उसमें कौन लोग उसमें शामिल थे या नहीं थे, उसके बारे में भी आप लोगों को क्लियर किया जाएगा। इसमें अभी तक आ रहा है कि इन लोगों का पैसे का लेन देन भी था, ये शायद मैच में भी पैसा लगाते थे, लेकिन अभी तक कुछ ठोस जो है इस चीज़ का एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन हम लोग उनके फ़ोन वगैरह की जांच करवा के पूरा एविडेंस कलेक्ट करके आप लोगों को उसमें ब्रीफ करें। पत्रकार नगर में भी गोली चली थी, उस बाद में क्या कुछ था? अभी पूछताछ उनसे जारी है, जिनको कल हिरासत में लिया गया है उन्हीं में से एक व्यक्ति के द्वारा जो है बताया जा रहा है कि फायरिंग कारित की गई है। उसमें आगे जो है CCTV फुटेज और ये सब भी खंगाल के उस चीज़ की हम लोग पुष्टि कर रहे हैं। इतना बड़ा नेटवर्क है, कितने लोग गिरफ्तार अभी किए गए? अभी इसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, सारे साक्ष्य और संकलन किए जा रहे हैं, उनके फोन्स वगैरह भी चेक किए जा रहे हैं कि उसमें कौन लोग उसमें शामिल थे या नहीं थे, उसके बारे में भी आप लोगों को क्लियर किया जाएगा। इसमें अभी तक आ रहा है कि इन लोगों का पैसे का लेन देन भी था, ये शायद मैच में भी पैसा लगाते थे, लेकिन अभी तक कुछ ठोस जो है इस चीज़ का एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन हम लोग उनके फ़ोन वगैरह की जांच करवा के पूरा एविडेंस कलेक्ट करके आप लोगों को उसमें ब्रीफ करें। पत्रकार नगर में भी गोली चली थी, उस बाद में क्या कुछ? तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से हाल के दिनों की अगर बात करें तो राजधानी पटना में पटना पुलिस को अपराधी लगातार चुनौती देते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर घटनाओं की बात करें तो गोलीबारी की आधा दर्जन से ज़्यादा घटना निकलकर सामने आई है, जिसमें अपराधी अभी भी कई मामलों में फरार हैं और पुलिस उनके लिए लगातार छापेमारी गिरफ्तारी के लिए करती नजर आ रही है। हालांकि इस मामले में अब देखना यह होगा कि कंकड़बाग थाना क्षेत्र के साईं हॉस्पिटल के समीप हुए इस घटना में क्या कुछ मामला निकलकर सामने आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।